प्रफुल्ल गोरखा एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं ऑनलाइन सीबीएसई प्रैक्टिकल पेश करूंगा और ये सारे मुद्दों का इस प्रैक्टिकल के दरम्यान विश्लेषण करूंगा। एक इंट्रोडक्शन, दो रिक्वायरमेंट्स, तीन वेरियस सीबीएसई टेस्ट, चार हीमोग्लोबिन टेस्ट, पांच सीबीएसई काउंट, छह डब्ल्यूबीसी काउंट, सात डिफरेंशियल डब्ल्यूबीसी काउंट, आठ प्लेटलेट काउंट, नौ पीसीबी एमसीबी एमसीएच और एमसीएचसी टेस्ट की जानकारी, और दस सीबीसी के क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के बारे में जानकारी। परिचय। क्लिनिकल लेबोरेटरी में आप देखेंगे कि लगभग हर एक रुग्ण के लिए सीबीसी रिपोर्ट डॉक्टर से रिकमेंड करते हैं, रूटीन एग्जामिनेशन के जैसे। सीबीसी रिपोर्ट से डॉक्टर को सिर्फ अनिमिया ही नहीं मगर बैक्टीरिया, वायरल और पैरासाइट इन्फेक्शन की जानकारी मिलती है और खून से संबंधित अनुवंशिक और कैंसर जैसी बीमारियां भी। सीबीसी में यह सारे टेस्ट करते हैं, हीमोग्लोबिन डिटर्मिनेशन, आरबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट, डिफरेंशियल डब्ल्यूबीसी काउंट, प्लेटलेट काउंट, पीसीबी, एमसीबी, एमसीएचसी और एमसीएच। पहले देखते हैं हीमोग्लोबिन डिटर्मिनेशन ड्रैकिंग के मेथड से, और ये है सारी जरूरती बातें इस टेस्ट के लिए। पहले 2 से 3 मिलीलीटर खून EDTA एंटीकोगुलेंट में जमा करें और तुरंत सावधानी से मिक्स करें जैसे यहाँ दिखाया है। खून के लिए फास्टिंग की जरूरत नहीं है। ज़्यादा खून जमा करते हैं तो माइक्रोक्लॉट बन सकते हैं, और खून अगर कम है तो EDTA के ज़्यादा प्रमाण से रक्त पेशी पर बुरा असर पड़ सकता है। अगर आप खून कलेक्ट करने के लिए वैक्यूटेनर का वापर कर रहे हैं और एक पेशेंट के लिए और भी टेस्ट है तो बाजू में दिखाया है वैसे ऑर्डर से खून कलेक्ट करें। अलग अलग टेस्ट के अनुसार आप तय कर सकते हैं कि EDTA के नंबर कब लग सकता है। और बाकी जो जरूरती चीज़ें हैं वो है टेस्ट ट्यूब्स और टेस्ट ट्यूब ब्रैड, हीमोग्लोबिन पिपेट 20 माइक्रोलीटर का, ड्रैकिंग का रीजन और एक फोटोमीटर। ड्रैकिंग रीजन, हीमोग्लोबिन स्टैंडर्ड और पेशेंट के खून का तापमान रूम कक्षा के तापमान समान होना चाहिए। फिर प्रोसीजर, एक 5 ml ड्रैकिंग रीजन एक टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र करो जैसे बाजू के फिगर में दिखाया है। दो, फिर खून मिक्स करके उसमें से खून हीमोग्लोबिन पिपेट में 0.0 ml तक ड्रॉ करो और पिपेट के बाजू में लगा हुआ खून सावधानी से साफ करो। तीन, यह खून ड्रैकिंग के रेजेंट में डाल के मिक्स करो और रूम के तापमान में 5 से लेकर 10 मिनट तक रखो। चार, इस मिक्सर के रंग की ऑप्टिकल डेंसिटी फोटोमीटर पर हरे रंग का फिल्टर या 540 नैनोमीटर वेवलिंग पर देखो और ऑप्टिकल डेंसिटी नोट करो। पाँच, फिर दूसरे क्यूवेट में 15 ग्राम का हीमोग्लोबिन स्टैंडर्ड ट्रांसफ़र करो और उसका ऑप्टिकल डेंसिटी देखो और फिर वो रीडिंग नोट करो। छः, फिर बाजू में दिखाया है वैसे बियर का फॉर्मूला यूज करके हीमोग्लोबिन का वैल्यू तय करो। और एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि फोटोमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के वर्किंग के बारे में आप हमारे चैनल में इसके बारे का रिलेटेड वीडियो ज़रूर देखिए। फोटोमेट्री और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री अच्छी तरह से समझने के लिए ड्रैकिंग हीमोग्लोबिन मेथड का प्रिंसिपल इस तरह है। ड्रैकिंग रिएजेंट में जो पोटेशियम फेरिसाइनाइड है उससे हीमोग्लोबिन का ऑक्सीडेशन होता है और मेथेमोग्लोबिन बनता है।
फिर मेथेमोग्लोबिन का पोटेशियम साइनाइड जो रेजेंट में है उसके साथ रिएक्शन होकर ब्राउन लाल साइनोमेथेमोग्लोबिन बनता है। इसका प्रमाण खून के हीमोग्लोबिन इतना होता है और फोटोमीटर पर इसका ऑप्टिकल डेंसिटी मापन करके यह साइनोमेथेमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन के ऑप्टिकल डेंसिटी रीडिंग के साथ तुलना करके खून के हीमोग्लोबिन का रीडिंग मिलता है। अगला एक्सपेरिमेंट है खून के आरबीसी लाल पेशी का मापन। इसके लिए ये है सारी जरूरती बातें। एक, पेशेंट का EDTA ब्लड खून। दो, आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड जो है 3% सोडियम साइट्रेट। तीन, विशिष्ट पद्धति का आरबीसी पिपेट जो बाजू में दिखाया है। चार, इम्प्रूव्ड नोबार चेम्बर जिसमें सेल का मापन होता है। बाजू में दिखाया है वैसे बीच में का जो चौक है उसमें आरबीसी का निर्देश है, उस भाग में आरबीसी का मापन होता है। और बाजू में जो चार चौक दिखाए गए जिस पर WBC का निर्देश है उसमें WBC का मापन होता है। पाँच, एक विशिष्ट दर्जे की कवर स्लिप। और छः, माइक्रोस्कोप। प्रोसीजर इस तरह है, पहले खून सावधानी से मिक्स करो, फिर RBC पिपेट का वापर करके खून 0.5 मार्क तक ड्रॉ करो, फिर पिपेट के बाजू में जो खून लगा है उसे सावधानी से साफ करो इस तरह से कि खून की लेवल ना बदले, फिर RBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड 101 मार्क तक ले लो और इसे सावधानी से मिक्स करो। 5 मिनट के बाद शुरू के कुछ बूंद छोड़कर यह मिश्रण बाजू में दिखाया है वैसे कवर स्लिप के बाजू से हल्के से छोड़ें, यह ओवरफ्लो होने से बचना चाहिए। फिर 2-3 मिनट तक रुकने के बाद माइक्रोस्कोप पर रखे पहले लो पावर माइक्रोस्कोप से RBC का चौक फोकस में लाइए और हाई पावर पर लाल पेशी का मापन करो, फिर बाजू में दिखाया है वैसे फॉर्मूला यूज करके खून के लाल पेशी का मापन तय करो। RBC काउंट ये सारे तत्वों पर निर्भरित है। RBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड में 3% सोडियम साइट्रेट से RBC का संरक्षण होता है, फिर RBC पिपेट से खून 200 गुना पतला होता है और काउंटिंग चेंबर में 1 मिलीमीटर का सिर्फ 5वां भाग और 0.1 मिलीमीटर काउंटिंग चेंबर की गहराई के वजह से एक्चुअली RBC 1/10,000 मिलीमीटर में मापे जाते हैं। इसके लिए इसे 1 मिलीमीटर में परिवर्तित करने के लिए 10,000 से गुना है और यह 1 मिलीलीटर खून के बराबर है। और यह ध्यान में रखें कि 1000 माइक्रोलीटर 1 ml के बराबर है। अगला एक्सपेरिमेंट है डिटर्मिनेशन ऑफ WBC काउंट और इसके लिए जरूरी चीज़ें RBC काउंट के जैसे ही है, सिर्फ फर्क यह है कि इसमें WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड है और यह है 2% ग्लिसरिल एसिटिक एसिड और इसमें यह बाजू में दिखाया वैसे स्पेशल WBC पिपेट का वापर होता है। WBC काउंटिंग की प्रोसीजर इस तरह है। एक, पहले खून अच्छी तरह से मिक्स करो, फिर WBC पिपेट से यह खून 0.5 मार्क तक ड्रॉ करो और पिपेट के बाजू में जो खून लगता है उसे सावधानी से कॉटन या ग्लव्स पीस से साफ करो ताकि खून की लेवल न बदले। चार, फिर WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड 11 मार्क तक ड्रॉ करो और सावधानी से इसे इस मिक्सर को मिक्स करो, फिर 5 मिनट के बाद शुरू के कुछ बूंद छोड़कर यह मिश्रण बाजू में दिखाया है वैसे सावधानी से काउंटिंग चेंबर के कवर स्लिप के बीच में छोड़े और इसे ओवरफ्लो होने से बचना चाहिए। फिर 2 या 3 मिनट के बाद में काउंटिंग चेंबर माइक्रोस्कोप पर रखकर लो पावर के नीचे इसे WBC के इस
विभाग पर फोकस करें। बाजू में दिखाया है वैसे WBC के चार भाग में सफेद पेशी का मापन करें। उदाहरण के तौर पर अगर WBC का मापन इस तरह से रहा जैसे 50, 55, 45 और 55, तो यह सब मिलकर 200 पेशी है। इसे 50 से मल्टीप्लाई करके गुण कर सफेद पेशी का मापन होता है 10,000 WBCs एक माइक्रोलीटर खून में। WBC काउंट ये सारे तत्वों पर निर्भरित है। WBC डाइल्यूटिंग द्रव्य में जो 2% ग्लिसरल एसिटिक एसिड है उससे सारे RBCs नष्ट हो जाते हैं और सफेद पेशी का मापन आसान हो जाता है। फिर इसका मापन 4 मिलीमीटर के भागों में होता है और WBC पिपेट में खून 20 औसत तक पतला होता है। असलियत में सफेद पेशी 1/50 मिलीमीटर में मापे जाते हैं। इसे 1 मिलीमीटर में परिवर्तित करने के लिए 50 से गुणा जाता है और यह 1 माइक्रोलीटर खून के बराबर है। खून के पेशी मापन के लिए बड़ी सावधानी से काम करने की जरूरत है। पहली बात है काउंटिंग चेम्बर में पेशी का द्रव्य डालने की जो प्रक्रिया है बाजू में दिखाया है वैसे आकृति के ए भाग में तो पेशी द्रव्य अच्छी तरह से स्थिर है मगर आकृति के बी भाग में यह बिल्कुल समाधानकारक नहीं है। फिर इसमें एयर बबल भी नहीं आनी चाहिए और सेल काउंट करते समय बाजू में दिखाया है वैसे चौकोर के सीमा पर बॉर्डर पर लगे हुए सेल्स भी काउंट करने चाहिए मगर चौकोर के सिर्फ 2 बाजू में लगे हुए सेल्स ये बात ध्यान में रखिए। आप माइक्रोस्कोपी प्रैक्टिस के लिए हमारा एक वीडियो है यूट्यूब पर जिसका नाम है माइक्रोस्कोप्स एंड माइक्रोस्कोपी यह जरूर देखिए। अगला एक्सपेरिमेंट है डिटर्मिनेशन ऑफ WBC काउंट और इसके लिए ये है सारी जरूरी चीज़ें। पेशेंट का खून फिर कांच के स्लाइड्स और कांच के रॉड्स लिशमन या राइट का स्टेनिंग द्रव्य फिर फॉस्फेट बफर pH 7.0 सेल काउंटर और एक माइक्रोस्कोप। और एक्सपेरिमेंट की प्रोसीजर प्रक्रिया इस तरह है पहले पेशेंट का खून निकालने के बाद तुरंत खून का एक बूंद एक साफ सुथरे कांच के स्लाइड पर रखकर खून का स्मियर बनाएं जैसे बाजू में दिखाया है। इसके लिए दूसरी जो स्प्रेडर स्लाइड है उसका 30 नहीं तो 35 के कोण में एंगल होना चाहिए और फिर स्मियर बनाइए। अच्छा ब्लड स्मियर कैसे बनाते हैं यह बाजू में दिखाया है। फिर खून का स्मियर सूखने दो और उस पर पेंसिल से रुग्ण का पेशेंट का नंबर लिखिए। बाद में यह ब्लड स्मियर वाली कांच की स्लाइड बाजू में दिखाया है वैसे कांच के रॉड पर रखकर उस पर राइट या लिशमन स्टेन द्रव्य डालें पूरा स्मियर कवर करके और इसे 1 मिनट तक रखें। बाद में इस पर स्टेनिंग सॉल्यूशन इतने ही फॉस्फेट बफर के बूंद डालें और फूक कर यह मिश्रण को मिक्स करें और यह मिश्रण 10 मिनट तक रखें। इसके बाद इसे नल के पानी से धोकर बाजू में सूखने के लिए रखो और स्लाइड पूरी सूखने के बाद यह स्टेन स्लाइड माइक्रोस्कोप के लो पावर ऑब्जेक्टिव के नीचे रखकर इसे एक अच्छा भाग ढूंढकर फोकस करिए बाजू में दिखाया है वैसे। फिर स्टेन स्मियर पर इमर्शन ऑयल का एक बूंद रखकर माइक्रोस्कोप के ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव से देखें। फिर एक सेल काउंटर या पेपर का वापर करके माइक्रोस्कोप के नीचे दिख रहे अलग अलग सफेद पेशी का मापन करो। देखो इस स्मियर में आप क्या दिख रहे हैं 2 न्यूट्रोफिल्स और इसमें दिख रहे हैं 1 लिम्फोसाइट और 1 है न्यूट्रोफिल। अभी इस स्मियर में आप अलग अलग सफेद पेशी को पहचान जैसे नंबर ए है बेसोफिल, बी है लिम्फोसाइट, सी है मोनोसाइट, डी है यूजिनोफिल और एफ है न्यूट्रोफिल।
फिर इस स्टेनिंग टेक्निक का मूल सूत्र ये है कि स्टेनिंग सॉल्यूशन में इवोजिन नाम का जो घटक है वह है एसिड और उससे सेल का साइटोप्लाज्म जो बेसिक है यह स्टेन होता है गुलाबी रंग में और बेसिक दूसरा घटक है मिथिलीन ब्लू वो न्यूक्लियस के न्यूक्लिक एसिड को स्टेन करता है जो एसिडिक है और उसका कलर बन जाता है नीला। अगला एक्सपेरिमेंट है डिटरमिनेशन ऑफ पैक्ड रेड ब्लड सेल वॉल्यूम पीसीवी और इसमें पेशेंट के खून की लाल पेशी की घनता मापी जाती है और इसके लिए यह है सारे चीज़ों की जरूरत। एक पेशेंट का खून 2 विंट्रो ट्यूब 3 पाश्चर पिपेट 4 सेंट्रीफ्यूज और जरूरत पड़े तो एक स्टॉप वॉच। विंट्रो ट्यूब का वर्णन बाजू में दिखाया है और एक्सपेरिमेंट की प्रोसीजर इस तरह है। पहले खून सावधानी से मिक्स करो फिर एक पाश्चर पिपेट से खून विंट्रो ट्यूब में डालो ऊपर से 0 मार्क तक और इसमें एयर बबल न जाए ऐसी खबरदारी ले लो। फिर विंट्रो ट्यूब सेंट्रीफ्यूज में रखो और दूसरी विंट्रो ट्यूब सेंट्रीफ्यूज के सामने वाले कप में पानी डालकर रखो और सेंट्रीफ्यूज 3000 रिवोल्यूशन पर मिनट RPM में चालू रखो 30 मिनट तक। बाद में विंट्रो ट्यूब निकाल कर पैक्ड RBC रेड ब्लड सेल्स का मापन लिखो जैसे बाजू में दिखाया है। ब्लड सेल इंडेक्सेस यानी कि MCV, MCH और MCHC के मापन के लिए कोई अलग एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं मगर इन टेस्ट की जरूरत है। जैसे एक हीमोग्लोबिन की वैल्यू 2 RBC काउंट और 3 PCV हीमेटोक्रिट वैल्यू। फिर MCV का मापन मिलता है इस सूत्र से हीमोग्लोबिन मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय RBC काउंट MCV पैक्सल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय RBC काउंट और MCHC हीमोग्लोबिन वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय PCV। MCV से लाल पेशी के एवरेज आकार का मापन मिलता है और MCH से लाल पेशी का एवरेज हीमोग्लोबिन का मापन मिलता है। जैसे बड़े सेल में RBC में ज़्यादा हीमोग्लोबिन हो सकता है और छोटे RBC में कम हीमोग्लोबिन हो सकता है और MCHC से एक एवरेज सेल साइज में कितना हीमोग्लोबिन है उसका मापन मिलता है। वेल, पेशेंट के कंप्लीट हीमोग्राम का रिपोर्ट ऐसे बनाया जाता है। फिर हर एक CBC टेस्ट के वैल्यू के यूनिट्स के बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। और यह है CBC कंप्लीट हीमोग्राम पैरामीटर्स के सभी नॉर्मल वैल्यूज। चलो अभी हम देखते हैं कि इंटर्नशिप के दरमियान आप ऑटो एनालाइजर का वापर करके 2 या 3 मिनट में CBC का रिपोर्ट कैसे बनाएंगे। CBC ऑटोमेशन टेस्ट के लिए यह सारे चीज़ों की जरूरत है। एक पेशेंट का UTA खून 2 RBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड 3 WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड 4 हीमोग्लोबिन टेस्ट रिएजेंट 5
सीबीसी स्टैंडर्ड्स जिसे कैलिब्रेटर्स कहा जाता है और 6 हिमेटोलॉजी ऑटो एनालाइजर। पहले हिमेटोलॉजी एनालाइजर प्रोग्राम किया जाता है पेशेंट के नंबर और उसकी बाकी सारी जानकारी, फिर खून 20 माइक्रोलीटर स्वयंचलित योजना से मशीन के अंदर चला जाता है और 2-3 मिनट में ही रिपोर्ट और प्रिंट आउट तैयार हो जाती है। तीन पार्ट डिफरेंशियल हिमेटोलॉजी एनालाइजर इम्पेडेंस तत्व पर निर्धारित है और यह तत्व इस तरह समझा जा सकता है। अगर 2 इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रोलाइट द्रावण में रखे और जोड़ दिए जाए तो जोड़े हुए वायर से इलेक्ट्रिकल करंट बहता है और यह बाजू में दिखाया है वैसे बल्ब प्रकाशमान होने से समझता है। अगर एक रक्त पेशी बीच में आती है तो इस करंट में रुकावट यानी कि इम्पेडेंस आ जाती है और बल्ब प्रकाशमान नहीं होता। इस रुकावट को इम्पेडेंस कहते हैं और यह इम्पेडेंस एक नोक स्पाइक के रूप में ग्राफ में दिखता है। हर एक स्पाइक एक सेल के बराबर होता है और स्पाइक का आकारमान पेशी के आकारमान से प्रमाणित होता है और ब्लड सेल्स 1 लीटर खून में मापे जाते हैं। एनालाइजर के अंदर 2 चैम्बर्स होते हैं, एक लाल पेशी के लिए और प्लेटलेट के लिए और दूसरा सफ़ेद पेशी और हीमोग्लोबिन मापन के लिए। लाल पेशी के कक्ष में 20 से कम फेम्टोमीटर पेशी प्लेटलेट के लिए मापे जाते हैं और 25 से 350 फेम्टोमीटर के सेल्स लाल पेशी के लिए मापे जाते हैं। सफ़ेद पेशी के कक्ष में WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड से सारे लाल पेशी हिमोलाइज हो जाते हैं और एक फोटोमीटर यूनिट से हीमोग्लोबिन का मापन होता है जैसे आपने ड्रगकिन टेस्ट में देखा है और 35 और 90 फेम्टोमीटर आकार के सेल्स लिम्फोसाइट के लिए मापे जाते हैं। 90 और 160 फेम्टोमीटर के सफ़ेद पेशी मोनोन्यूक्लियर सेल के लिए मापे जाते हैं और 160 से लेके 450 फेम्टोमीटर के सेल्स ग्रैन्युलोसाइट के लिए मापे जाते हैं। और एक बात यहाँ पर जान लो कि RBC कक्ष में लाल पेशी का डाइल्यूशन होता है 50,000 तक और सफ़ेद पेशी के कक्ष में पेशी का डाइल्यूशन होता है 500 बार। इस ऑनलाइन प्रैक्टिकल में मैंने ये सारे पॉइंट्स की जानकारी आपको दी और जानकारी के लिए आप हमारे यह बुक में 38 नंबर का चैप्टर पढ़ें और हेमेटोलॉजी ऑटोमेशन के लिए हमारे यह सारे YouTube वीडियो जरूर देखें। अगली बार मैं आपके लिए और एक नया ऑनलाइन विषय लेके आऊँगा, तब तक आप अपना अच्छा स्वास्थ्य और मूड अच्छे अंदाज में बना के रखो। बाय बाय।